गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरसी एजुकेशन हब। टुडे वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी, दैट नेम इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है टिश्यूज जो है कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं, किस तरीके से टिश्यूज फॉर्म होते हैं और टिश्यूज से किस तरीके से फिर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा द सेल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है और वी कैन सी इन आर बॉडी इन फाइनाइट सेल्स आर फाउंड मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आर फाउंड इन आर बॉडी एंड स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। वी विल टॉक अबाउट सेल डिटेल्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर। सेल्स जो है आपस में फ्यूज होकर स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं, जिस भी स्ट्रक्चर को फॉर्म करती है दैट इज नोन एज टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यूज आर फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। टिश्यूज आर फॉर्म विद अ ग्रुप ऑफ सेल्स दो आर सिमिलर इन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मिंग एंड डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज टिश्यू। द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। The structure of tissue is known as histology. और टिश्यू जो है वो आपस में मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन्स। टिश्यूज आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स बना रहे हैं। और ऑर्गन्स के बारे में जो पढ़ते हैं दैट इज नोन एज एनाटॉमी। ओके, ऑर्गन्स मिलकर आपस में क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स आपस में मिलकर फॉर्म कर रहे हैं ऑर्गन सिस्टम्स, राइट। सो किस तरीके से पूरा सिस्टम फॉर्म हो रहे हैं और ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिलकर बना रहे हैं बॉडी। अब देख लीजिए आप किस तरीके से जो है बॉडी कंसिस्ट हो रही है। सेल्स आर मेकिंग टिश्यूज, टिश्यूज आर मेकिंग ऑर्गन्स, ऑर्गन्स आर मेकिंग ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर मेकिंग बॉडी। ग्रुप सेल्स क्या होती है? दीज आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर, वी कैन से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। In which life is existing, इसके अंदर life exists कर रही है and the study of cell is known as cytology। बहुत सारी cells जो होती हैं वो आपस के अंदर group के अंदर group बना के एक particular function को perform करती हैं, like this one is cell, these all are cells, these all are cells, these are group together। group बना लिया इन्होंने, group बनाने के बाद में एक particular function perform कर रही हैं और जैसे group बनाया है, group बनाने के बाद में जो structure form हो रही है that structure is known as tissue। इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। और द स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट टिश्यूज इन डिटेल। इस वाले चैप्टर के अंदर अपन जो है टिश्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, यानी टिश्यूज होते क्या हैं, स्टडी को क्या कहते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, फंक्शंस क्या क्या होते हैं। टिश्यूज आपस में क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स की स्टडी को अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। और ऑर्गन्स आपस में क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम्स, देयर डिफरेंट सिस्टम्स इन आवर बॉडी। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी गोना टॉक अबाउट टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल, विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन which perform particular function is known as tissue, is known as tissue. The study of tissue is known as histology. There are basically four kinds of tissues, चार type के होते हैं। Number one is epithelial tissue, epithelial tissue. Number second is connective tissue, third is muscular tissue and fourth is nervous tissue. In animals there are four kind of tissues। Animals के अंदर basically चार types पाए जाते हैं, epithelial tissue and connective tissue, muscular tissue
nervous tissue. In epithelial tissue, we'll talk about epithelium. In connective tissue, we'll talk about the structures, those are connecting all the bodies like bones, like cartilages, like blood. In this, we will talk about muscular tissues. Ke andar, we'll talk about muscles, kitne type ki hoti hain, functions, kya kya hote hain. And nervous tissues, we'll talk about neurons. नर्वस टिश्यू के अंदर अपन न्यूरॉन्स के बारे में बात करेंगे. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, कि एपिथेलियल टिश्यू होते क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी लोकेशंस के ऊपर पाए जाते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज टिश्यू, हाउ द टिश्यूज आर फॉर्मड एंड व्हाट इज द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ टिश्यूज. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट एपिथेलियल टिश्यू. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.